अंदर थोड़ी ना कर रहा हूँ, तो अंदर का कुछ थोड़ी ना आ रहा है, यूट्यूबर है। पहली बार सुना, हमारे इधर नहीं आता है। आ रहा है वो रोज? नहीं, रोज आ रहा है, पर मैं रोज सोचती थी मैं निकलूंगी घर से देखने के लिए कि कैसे आता। आज पहली बार मैंने पकड़ा है बराबर। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि गाना बजाते हुए ये गाड़ी आती है और सब लोग अपना कचरा डालते। और ये वाला भाई मुझे मेरी मौसी के घर छोड़ देगा। मेरी मम्मी और पापा दोनों ऑलरेडी चले गए हैं, उन्हें जल्दी थी। मैं यहाँ पर जो हमारी बाई आती है उससे सारा काम करवा कर जा रही हूँ। पाताल भैरवी, हो मैं जा रही हूँ मौसी के घर, जो कि आपको पता है ना गोंदिया में ही रहती है। काकू चल बाय, हो संध्या काढ़ी गई, किसी को मुझे छोड़ने का मन नहीं है। आओ गाइस, बाय बाय, हम जा रहे हैं। देख ले अच्छे से, अच्छी जगह ढूंढ ले हम लोग को कल घूम। पाताल भैरवी MP में या छत्तीसगढ़ में है। पाताल भैरवी एक शिव जी का पिंड है, उसके नीचे काली जी का मंदिर है। बहुत अच्छा वीडियो दिखाया था उन्होंने मुझे कल, मेरे जो सब्सक्राइबर्स आए थे उनमें से एक फैमिली ने मुझे बताया था कि बहुत अच्छी जगह है, जाने लायक है। चलो ये है, आज मैं इससे ब्लॉग बना रही हूँ, पर कैमरा सेफर साइड में रखा है। और भाई की आज छुट्टी है, संडे को छुट्टी होती है, तो भाई आज लोकेशन देखेगा कि हम कहाँ जाएंगे, तो फिर कल जाएंगे क्योंकि कल भी भाई की छुट्टी होती है। मौसीचा गाँव वाला घर ही रहते हैं, शोभा मम्मी चा घर ही चल तू ये थे। हाँ चल ये थे तू, ना चल ले तू ही जाता, हम लोग आए हैं मिट्टी के कुछ चीजें खरीदने। क्या बोलते मैं भूल गई, क्या हो ना? वो ढकने वाला होता है ना जी, वो चाहिए। दिखा बड़ा, दिखा पहले एक, तो मैं बताती वाला वो रोटी के ऊपर वगैरह ढकते हैं ना, जो दिखाती हूँ आपको भी। तरही, तरही बोले थे क्या? मम्मी को फोन कर, फोन करके पूछना पड़ेगा, मैं खुद भूल गई आकर दुकान। क्या है? हाँ बोरा चला। ओहो मामी बेचते क्या ये लोग? चाय कैसे? 120 का है, बड़ा है ना। अगर अच्छा लगता है तो और ये वाला भी लेकर जाओ। ठीक है ना, मिलते हैं। ये पहली बार है मैंने लाई तो इसको पैक कर दो, अच्छे से टूटना नहीं चाहिए, ऐसा बना कर दो। थैली अजी नहीं, पर आप बांध के नहीं देते हो क्या? नहीं ना, इतने बड़े कहाँ है, छोटी छोटी। गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने मौसी के घर, हालांकि मैं लंच टाइम में ही आ गई थी, अभी 4:30 बज रहे। मुझे थोड़ा सा सर्दी जैसा हो गया था, अलग अलग घर का पानी, यहाँ का अलग अलग माहौल, धूल मिट्टी, यहाँ पर बहुत है, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसलिए मैंने रेस्ट किया और अब मैं थोड़ा सा व्लॉग कर रही हूँ।
तो सब लोग झाड़ियों में घुसे हैं मौसी के इस छोटे से, क्या बोलते हैं इसे, वाड़ी बोलते हैं, यहाँ पर वाड़ी में घुसे। आई शो यू गाइस, ये देखिए तुलसी और मैं यहाँ पर उतरी। अभी अभी मैंने ये तुअर के वो खाए हैं, मेरे पापा छाटने के एक्सपर्ट। मम्मी हमारे घर के भी पापा छाट कर आए थे, अभी इधर का भी छाट कर देंगे। इनको बहुत शौक है इसे तोड़ने के लिए। यांना देऊन द्या तो कापणारा, हे छाटून देते हा पापा। हो यांना द्या, हा पापा इसको छाट दो, सबको छाट दो, एकदम लेवल में कर दो। फूल आला ते खाली कापिन मन लो। ये देखिए ये है नींबू, ये भी नींबू चाहे मम्मी हाथ खूब मोटा नींबू जाला। ये देखिए करेला घर का, ये इतना करेला निकल गया है। और एक शेवगा की शेंग, शेजान शेजन मागची वडी पण दाखवली होती मी। हाँ वांगा मतलब बैंगन आला काय कुठे दाखो। ओहो दो बैंगन है, तीन चार, तीन है। एक पाव बैंगन निकल गए, ये देखो आलू के साथ। आलू के साथ बन जाएंगे। अरे दो परिवार खा, दो चार लोग खा सकते आराम से। और ये धनिया यहाँ पर, और टमाटर आ जाएगा बहुत जल्दी। मिर्ची ये उपास के लिए, ऋषि पंचमी होता है ना। हाँ ये देखो, ये ऋषि पंचमी के लिए ये मिर्ची होती है, तो इसका उपास के लिए चलती है ये। वर्ष भर लगता था मिर्चा। साल भर लगती है ये मिर्ची, उपास में चलती मतलब है, कभी भी खत्म नहीं होती है। और ये देखिए खाने का पत्ता, ये इतना आ गया है, दिख रहा है ना इधर। चांगला चाला मम्मी तुमच्या ते खूब चाला। वो देखिए वहाँ तक पहुँचा और बहुत बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं। ते ना मीठा पाना वाला है, ते अच्छा अच्छा। और ये बेल का जो है बहुत ऊपर चला गया, तो इनको पूजा के लिए बेल ही नहीं मिल पाता, इसलिए अभी उसकी चॉपिंग करने वाली। वो दिख रहा होगा बहुत ऊपर चला गया वो। अगर कारले चबी तैयार झाला ना तिथे पिकला आहे का? हो हो हा बघ, तुला पाहिजे का बीज? देखिए करेला तैयार है बीज के साथ, इसे ऐसे लगा देंगे तो आ जाएगा। और कितना सुंदर होता है करेले का ये पौधा, इसमें फूल आता है येलो कलर का, अभी दिख नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ ये देखिए बहुत सुंदर फूल आता है, ये देखिए सुंदर है। मेरे पापा एक्सपर्ट, पापा वो एक्सपर्ट नहीं है, वो तोड़ने के एक्सपर्ट हो गए हैं। अतिक्रमण वाले है वो। पूरा आता माती है इनका, तुम तो सगळा। बैक टू हाउस हो, फूल मस्त आले कई। देखिए कितना सुंदर फूल आए हैं, बहुत ही अच्छा। ते बघ आले आहे तुला बोलवत आहेत, मॅडम बाईला बोलवा म्हणत आहेत। चालेल दोन दे। देखिए पापड बढिया से चावल के, आणि हे ते आहेत ना साबुदाना आलू, साबुदाना आलू आलू। हाँ ये मिर्ची भगर, भगर पण आहे का, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और ये सिर्फ यहीं पर मिलते हैं, मुंबई में मेरी मम्मी ने कभी इसे बनाया नहीं। एक्चुअली बनाई भी होगी तो अभी अभी नहीं बनाती, बचपन में। और ये घर के चिप्स है, पूरे घर के चिप्स। और ये चावल के पापड़। क्या चाहिए लाली को, क्या चाहिए, क्या चाहिए? बेटा तुमको दिया ना खाना मैंने, जबरदस्ती कर रही है।
और चाहिए बोल रही थी। मुझे भी लग रहा और चाहिए बोल रही थी। नहीं अब नहीं मिलेगा। फिश मुझे लग रहा कुछ ज्यादा पसंद आ गई इसको। हाँ लाली फिश बहुत पसंद आई। स्वीट डिश मांग रही हो। ऐसे होता है बेचारे बोल नहीं पाते हैं, समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके गाइस तो मैं कल के बाद सीधा आज ही मिल रही हूँ। कल दादी ने चाची ने बहुत अच्छी फिश बनाई थी, मैंने इंजॉय भी की, बट मुझे हल्का सा जुकाम हो रखा था जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब मैं अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पर रख रही हूँ। रीज़न मैंने अभी अभी आप सभी के लिए एक मेकअप ट्यूटोरियल शूट किया और मेरी मम्मी वापस नहीं आई रात में, वो मेरी मौसी के घर पर ही रह गई है, तो अभी आएंगी थोड़ी देर में। और अभी सुबह के 9:45 में मैं नहा धोकर ये जो एक गेट रेडी विथ मी वाला एक वीडियो आप बोल सकते हो उसे शूट कर चुकी हूँ। और ये सारे जो प्रोडक्ट जो मैंने इस्तेमाल किए और यहाँ पर मैस किया जैसे मैं अपने घर पर करती हूँ, वही सारी चीज़ों को वापस रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैस होना नॉर्मल बात है पर उसे समेटना भी बहुत ज़रूरी है वरना अच्छा नहीं लगता ना। तो बहुत दिनों के बाद इस पूरे घर में आई थिंक मैं अकेले घूम रही हूँ। वैसे तो मैं चाची के घर पर सोई थी, इस चेयर को जहाँ था वहाँ रख दूँ। और यहाँ पर भी अभी एक बाई आती है हमारी जो क्लीनिंग करती है, सो वो भी आने वाली होगी, उससे पहले सब समेट दूँ वरना फिर वो क्या करती है सारी चीज़ें पकड़ती है एक जगह ठूस देती है और फिर हम लोग ढूंढे रह जाते हैं। तो उसके आने से पहले ही सारी चीज़ें अगर मैं जगह पर लगा दूँ सो बेटर रहे। अब उसे तो आने में थोड़ा सा समय है तो मैं चाची के यहाँ पर ही बैठूंगी, मेरा मोबाइल वगैरह यहीं पर मैंने चार्ज लगाया है। ओके गाइस तो मेरे बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर्स मुझे मिलने आए हैं, उनमें से ये एक है तो मैं आपसे मिलवा दूँ। ये गोंदिया के ही रहने वाले हैं, आप अपना नाम बताइए। तरन सिंह परियानी, ज्योति परियानी, प्रभजोत कौर परियानी। तो कल ही हमारी बात हुई थी इंस्टाग्राम पर, तो ज्योति जी ने बोला कि मिलना है, तो मैंने बोला क्यों नहीं, गोंदिया में आकर अगर मैं सबसे नहीं मिली तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो, बहुत दीदी से मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा लगा मिलके भी। सेम मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये अच्छे से मिले, अच्छे से बात की, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, मतलब ऐसा लगे कि हम बहुत बार मिल चुके हैं ऐसा लगा। मुझे भी वैसे ही लगा। हमें घर आए, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू। तो अच्छा लगता है सब लोग मिलकर जाते हैं, और जैसे कि मैंने बोला था कि हर कोई कुछ ना कुछ ला ही रहा है, पर आज कुछ अलग हुआ है। आज घर से बना हुआ खाना आया है, ये देखिए मैं खोल कर देखती हूँ क्या बढ़िया से इसमें बना कर लाए हैं ज्योति जी, देखना तो बनता है। ये देखिए ये प्याज के पकौड़े लग रहे हैं मुझे, और इन्हें मैंने ऑलरेडी खा कर भी देखा, बहुत अच्छे। और ये चटनी है टमाटर वगैरह की दिख रही है, और थोड़ा सा स्वाद लिया ही जाए फिर से एक बार। सबसे पहले चटनी ऑसम है। ज्योति जी अगर आप देख रही है चटनी की रेसिपी प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए, चटनी टू गुड है। टमाटर लहसुन मिर्ची सब कुछ दिख रहा है, बहुत ही फ्लेवर वाली चटनी है। और ये आई थिंक मूंग के पकोड़े हैं, मूंग प्याज के शायद से, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, पर जो भी है खाने में बढ़िया है। और ज्योति जी 2-3 दिन पहले ही आगरा से आई है, उनका मायका था तो वहाँ के ये स्पेशल आगरा के पेठे। ये देखिए आज मैं ये मिट्टी के कुछ बर्तन लेकर आई हूँ, मैंने अपने लिए भी दही जमाने वाला और एक बड़ी सी हांडी जिसमें आधा किलो की सब्जी बन सकती है, और मैं बड़ी लेने वाली थी, पर फिर मेरा भाई बोला दीदी ये मत लो आपके बैग में इतना आएगा नहीं, तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया, पर मन बिल्कुल नहीं था छोड़ने का, ऐसा कर लग रहा था कि यार नहीं लेकर ही जाऊँ कैसे भी चला जाए बस चला जाए, बट उसकी भी बात सही थी। अब ये क्या पता है आपको, ये इसे ढकने वाला है, और ये है तवा, इस तवे पर रोटी बनाओ चीले बनाओ जो चाहिए वो बनाओ और उसे इस तरह से ढक दो। और ये जो ढकने वाला है ना इसे रोटी भी ढक सकते, रोटी ढकने से इसे क्या होगा गर्म रहेगी। और पहले ना ये हैंडल के साथ आता था पर आज के लिए कुछ ऐसे आने लग गया, तो मेरी मौसी के पास वगैरह हैंडल वाला है बहुत अच्छा है। और अब प्रोग्राम चल रहा है तरबूज काटने का, और मेरा भाई फ्रेश होने का नाम नहीं ले रहा, वो हो जाता फ्रेश तो तरबूज काट लेते।
खानी है? नहीं खा रही। नहीं खा? हाँ हाँ। खाना? नहीं पच्चा कम होता। नहीं खाना। नहीं। खाओ। तो यहाँ पर हमने तरबूज खाई, खाई नहीं, खाया जो भी है। अब समझ में नहीं आ रहा। और तरबूज बहुत 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 ही मतलब अलग ही यम्मी फ्लेवर का था। हालांकि दादी ने मुंह पर मना कर दिया, सीधा नहीं खाना, नहीं खाना। अब उनकी मर्जी, खाना है तो खाएंगे, नहीं खाना है तो जबरदस्ती कोई खिला नहीं सकता। ओके, सो ये केक का हमने ऑर्डर दिया था, हमारे सामने ही केक बनता है, पाइनएप्पल केक। और इसे हमने ऑर्डर दोपहर दिला था ना, कितने बजे दिया होगा, कुछ 1:30-2 बजे दिया था। हाँ, और अभी शाम के 6:45 बजे केक रेडी है। हालांकि ये केक कल आना था पर जल्दी आ गया। थोड़ा केक की खूबसूरती को दिखाया जाए, ये है पाइनएप्पल केक। तो ये यहाँ पर बैठी है आवली, आवली को दिखाओ, आवली को दीदी के पास। तो ये आवली की मम्मी केक बनाती है ना? बहुत ही अच्छा डिजाइन वगैरह बनाया है। तो निकाली? हाँ हाँ, जब से आई हूँ ना तब से खातिरदारी अलग लेवल पर चल रही है। काकू ने चूड़ा बनाया और बहुत अच्छा। थोड़े से गाल बिल निकल जाए ना तो इग्नोर कर दीजिएगा, बाद में मैं कम कर दूँगी, पर अब खा लेती हूँ।